केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि अगर एयर इंडिया नहीं बिकती है तो उसे बंद करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सरकार ने एयर इंडिया को मार्च 2020 तक बेचने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने पिछले साल भी एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन शर्तों के मुताबिक कोई खरीदार नहीं मिला था। मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कंपनी की हालात काफी खराब है, अगर इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है तो उसे बंद भी करना पड़ सकता है। एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री को भी पिछले साल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के पीछे निवेशकों ने शेष 24% हिस्सेदारी के साथ सरकारी हस्तक्षेप की आशंका जताई थी, लेकिन अब इस शर्त को भी हटा दिया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में 8400 करोड़ रुपए का जबरदस्त घाटा हुआ है। हालात ये हैं कि एयर इंडिया तेल कंपनियों को ईंधन का बकाया नहीं दे पा रही है। हाल ही में तेल कंपनियों ने ईंधन सप्लाई रोकने की भी धमकी दी थी। कंपनी पर कुल 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ है। एयर इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 4600 करोड़ का ऑपरेटिंग नुकसान दर्ज किया। तेल की ऊंची कीमतों पर और विदेशी मुद्रा के नुकसान का कारण ऐसा हुआ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।